Swayam Prabha, Digital India, Educated India. हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच ये मेरा आपराधिक विधि का लेक्चर नंबर 11 है दिस इज माय लेक्चर नंबर 11, एंड द टॉपिक इज सर्च एंड सीजर इन क्रिमिनल मैटर्स आपराधिक मामलों में तलाशी एवं जब्ती संबंधी प्रावधान इसके अंतर्गत मैं बताने का प्रयास करूँगा कि आपराधिक मामलों में सर्च और सीजर का क्या प्रावधान है किन प्रकार के आपराधिक मामलों में पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश के पश्चात किसी भी व्यक्ति के पश पस... आ... किसी भी व्यक्ति के पास यदि कोई दस्तावेज है या कोई अभियुक्त है जिसके पास कोई दस्तावेज या कोई वस्तु जिसे उसने छिपा रखा है और उससे अन्वेषण या जांच या ट्रायल के लिए उसमें कोई सहयोग हो सकता है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के पश्चात तलाशी वारंट जारी हो सर्च वारंट जारी हो और वह वस्तु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए यदि उस वस्तु के प्रोडक्शन से उस सामग्री के प्रोडक्शन से किसी भी आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकता है क्योंकि सर्च और सीजर से संबंधित मामला जहां पर एक तरफ न्यायालय को अपराध के अंतिम निर्णय तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है वहीं पर दूसरी तरफ यह व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला होता है तो कहीं पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई गलत आदेश न दे दिया जाए जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का या उसके प्रवेशी का या उसके एकांता के अधिकार का उल्लंघन हो या उसकी स्वतंत्रताएं बाधित हों जो भारतीय संविधान के आड़किल इक्कीस के अंतर्गत या बीस के अंतर्गत जीत दी गई हैं उनके मौलिक अधिकारों का एक तरफ हनन न हो उल्लंघन न हो और दूसरी तरफ अपराध घटित होने के पश्चात अपराधी को न्यायालय के द्वारा सिद्ध भी किया जाए दंडित भी किया जाए दोनों इन दोनों उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए आपराधिक विधि के अंतर्गत पुलिस प्रशासन को कुछ परिस्थितियों में यह विशेष प्रावधान दिया गया है कि वे यदि सर्च और सीजर करते हैं किसी भी आपराधिक घट घटना घटित होने के पश्चात यदि वह तलाशी लेते हैं सर्च लेते हैं तो ड्यूरिंग सर्च व किन किन प्रोसीजर किन किन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और यदि उन प्रोसीजर को पालन नहीं करते हैं तो सर्च और प्रक्रिया के पालन न करने पर अगर ली गई तलाशी या सामान की जब्ती सीज करना यह निश्चित रूप से विधिक प्रावधान का उल्लंघन होगा और जिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति को यदि ये पाया जाता है न्यायालय पाए पाती है कि वह निर्दोष व्यक्ति था जिसकी तलाशी ली गई सर्च लिया गया तो ऐसी स्थिति में एक राज्य के जो पुलिस प्राधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी आपराधिक यद्यप कि उनके पुलिस प्राधिकारियों को उनके विरुद्ध प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर पुलिस प्राधिकारी अन्वेषण करते हैं सद्भावपूर्वक अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में यदि वो कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में मात्र उनके द्वारा ली गई तलाशी को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा दी जाएगी कि इसके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है पुलिस यदि पूरी सावधानी एवं सतर्कता के साथ विधिक प्रावधानों के तहत यदि सर्च करता है तलाशी लेता है और किसी सामग्री की सीज करता है तो ऐसी स्थिति में उसके इस कार्य को मात्र इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती अवैध किया जा सकता है कि पुलिस को ऐसा करने के लिए कानून के अंतर्गत पावर नहीं था तो ये जहाँ पर पुलिस को अन्वेषण करने की पावर दी गई वहीं पर पुलिस को एक प्रकार से प्रोटेक्शन भी दिया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया मैं जब पहले आई का ले रहा था लेक्चर तो उस भारतीय दंड संहिता की धारा सेवेंटी सिक्स और सेवेंटी नाइन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि पुलिस प्राधिकारी को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य जो विधि के द्वारा वो करने के लिए आबद्ध हैं तो विधि विधिक आबद्धता के अधीन किए गए कार्य को भारतीय दंड संहिता आपराधिक दायित्व से मुक्त रखती है सेक्शन सेवेंटी सिक्स के अंतर्गत और सेक्शन सेवेंटी नाइन के अंतर्गत ऐसे कार्य जो विधि के द्वारा न्यायुमत हैं एक्ट जस्टिफाइड बाई लॉ है तो यदि कोई भी प्राधिकारी या कोई भी व्यक्ति जो अन्वेषण के दौरान या जांच के दौरान कोई ऐसे भी कदम उठाता है जो उसे लगता है कि कानून ने उसे कार्य करने के लिए अधिकृत किया हुआ है बावजूद भी कोई गलती हो जाए तो यदि मामला सेक्शन यदि वह केस सेक्शन 29 के अंतर्गत आ जाए या सेक्शन 26 के अंतर्गत आ जाए तो ऐसे लोक प्राधिकारी या लोक सेवक के द्वारा किए गए पुलिस प्राधिकारियों के द्वारा किए गए कार्य को धारा सेक्शन धारा छिहत्तर और धारा सेवेंटी नाइन में घोषित करती है तो ये देखने का प्रयास करेंगे इस स्लाइड पर देखें मैंने जो एक टॉपिक लिया है सर्च एंड सीजर दस्तावेज कोई वस्तु प्रस्तुत प्रस्तु करने के लिए कब समन जारी किया जा सकता है ये दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की धारा नाइन्टी के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या एस को थाने के भारसाधक अधिकारी को ये पावर दिया गया है कि किसी भी थाने के भाषसाधक अधिकारी को ऐसी इतला प्राप्त होती है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु या सामग्री है जिसके डिस्क्लोजर से जिसके प्रस्तुत किए जाने से उस आपराधिक मामले में प्रकाश पड़ सकता है एक नया मोड़ आ सकता है तो ऐसा थाने का भारसात्वक अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को लिखित आदेश दे करके कोई भी वस्तु प्रस्तुत करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए अपने समक्ष कर सकता है वहीं पर दूसरी तरफ न्यायालय भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को दस्तावेज जिसके पास कोई दस्तावेज या कोई वस्तु है उसे या निर्देशित कर सकता है समन जारी कर सकता है कि वह दस्तावेज वह दस्तावेज डॉक्यूमेंट उसके समक्ष प्रस्तुत करे जिससे कि किसी इंक्वायरी या ट्रायल में उस दस्तावेज के माध्यम से अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके अब इस स्लाइड पर आप देखेंगे तो मैंने एक तरफ तो लिखा है सेक्शन 91 वन जहाँ पर किसी न्यायालय को पावर देती है अबली के एस एच को पावर देता है वहीं पर एस एच मैंने इसलिए संक्षेप में लिखा कि थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा लिखित आवेश लिखित आवेदन पर भी किसी भी व्यक्ति को कंपेल किया जा सकता विवश किया जा सकता है कोई वस्तु तो या दस्तावेज प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी तरफ आर्टिकल 23 मैंने लिखा हुआ है एक केस है बॉम्बे राज वर्सेस काठी कालू नाइनटीन ए आई आर सुप्रीम कोर्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है कि जहाँ पर कालू अभियुक्त को जो इसमें केस में प्रत्यर्थी है उसके विरुद्ध वह आपराधिक अभियोजन प्रारंभ किया गया था और साच ये थे कि अन्वेषण के दौरान जब काथी कालू से उसके ब्लड सैंपल लेने का प्रयास किया गया उससे हेयर सैंपल लेने का प्रयास किया गया तो उसने ऐसा किया जाना भारतीय संविधान के आर्टिकल बीस तीन के उल्लंघन के आधार पर यह चुनौती दिया अर्थात संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री यह प्रावधानित करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ एंड दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फंडामेंटल राइट ये मौलिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को यदि अपने विरुद्ध साक्ष देने के लिए विवस्त किया जाता है किसी प्राधिकारी के द्वारा अथॉरिटी के द्वारा तो वह अपने उस कंपल्शन uh, को उस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है कि प्राधिकारी ने मुझे इस कथन को करने के लिए विवश किया है मजबूर किया है यह मेरे संविधान के आर्टिकल बीस तीन द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का, का उल्लंघन है तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स एंड थर्टी टू के अंतर्गत जहाँ पर किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह साक्ष्य देने के लिए विवश किया गया है उसे संक्षण प्रदान करते हुए प्राधिकारी को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है परंतु इस केस में क्या हुआ बॉम्बे राज्य वर्सेज स्टेट स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज कालू की केस में क्या हुआ कि चूंकि वह स्वयं अभियुक्त था और उसे ब्लड सैंपल रक्त का नमूना ब्लड सैंपल मांगा गया कि इससे ब्लड सैंपल से डीएनए टेस्ट कराया जाए या इसे उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जाए उसके बाल और नाखून के माध्यम से उसकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित किया जाए कि क्या वह उस अपराध में संलिप्त था तो ऐसी स्थिति में उसका यह दावा करना कि रक्त का नमूना या ब्लड सैंपल लेना या हेयर का सैंपल लेना बाल का सैंपल लेना या उसे किसी अपराध में अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के समान माना जाना चाहिए तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि चूंकि आर्टिकल नाइन जो धारा इक्यानवे है नाइन्टी है सी सी का उसमें जो शब्दावली यूज की गई है वह है एनी डॉक्यूमेंट और एनी थिंग अर्थात कोई दस्तावेज या कोई वस्तु जो किसी व्यक्ति के पास है वह है पुलिस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसे विवश किया जा सकता है तो चूँकि ब्लड सैंपल लिया जाना या हेयर सैंपल लिया जाना किसी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए इंक्वायरी के प्रयोजनों के लिए यह उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध साक्ष्य आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री में दिया गया कि स्टेटमेंट है कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष देने के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा अर्थात स्टेटमेंट जो है कथन अगर वह करता है जो उसके विरुद्ध है साक्ष उसे किसी अपराध में फांसने वाला है तो यह संविधान के आर्टिकल बीस तीन का उल्लंघन माना जाएगा तो मैं बता रहा था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज काठी कालू केस तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस मामले में निर्णित किया गया कि Uh, किसी भी व्यक्ति से यदि ब्लड सैंपल लिया जाता है या हेयर सैंपल लिया जाता है तो यह उस व्यक्ति के द्वारा आट, यह स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं आता चूंकि संविधान के आर्टिकल बीस तीन में जो प्रोटेक्शन दिया गया है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ तो कोई भी ऐसा कथन करना जो उसे किसी अपराध में फांसने वाला हो फंसाने वाला हो उस स्टेटमेंट को प्रोटेक्शन दिया गया आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री में न कि किसी वस्तु या किसी सामग्री के प्रोडक्शन को तो इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल बीस तीन और हम जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन ट्वेंटी सेवन को ध्यान में देते हैं तो सेक्शन ट्वेंटी सेवन के अंतर्गत भी ये प्रावधान किया गया है कि जब कोई भी मेटीरियल सामग्री यदि किसी भी व्यक्ति के अभियुक्त के स्टेटमेंट के आधार पर बरामद होती है तो उस सामग्री को हम उस अभियुक्त के विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है सेक्शन ट्वेंटी सेवन ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध जो अपराध किया है और वह अपराध की स्वीकारोक्ति करता है उस स्वीकारुक्ति के पश्चात यदि कोई सामग्री बरामद होती है तो वह जो मैटीरियल है दैट मैटीरियल विच हैज़ बिन रिकवर्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट कन्फेशन मेड बाई अक्यूज कैन ऑल्सो बी मेड रेलिवेंट वह उसे प्रासंगिक बनाया जा सकता सुसंगत साक्ष्य होता है तो इसी केस में 1961 में ही माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित कर दिया गया कि किसी भी अपराध के घटित होने के पश्चात यदि अभियुक्त से उसके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं या हेयर सैंपल लिया जाता है तो यह अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए जांच के उद्देश्य के लिए यदि लिया जाता है तो यह उसके इसे उसे किसी अपराध में फांसने वाला नहीं माना जाएगा और यह आर्टिकल बीस तीन की परिधि में नहीं आता तो इस आधार पर यह स्थापित हो चुका है कि जो साइंटिफिक एविडेंस है जैसे आज की प्रेजेंट टाइम में डीएनए टेस्ट है तो डीएनए टेस्ट के लिए किसी भी व्यक्ति के ब्लड सैंपल को लिया जा सकता है यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ब्लड उसके ब्लड सैंपल से उस आपराधिक घटना में उस उस, उस उस क्राइम को एक्सपोज किया जा सकता है तो विद द हेल्प ऑफ दैट डी टेस्ट कोर्ट कैन गिव डायरेक्शन टू तो द एक्यूज कि इस अभियुक्त से यह डीएनए टेस्ट ये ब्लड सैंपल लिया जाए डीएनए टेस्ट कराया जाए और उस अप उसके अपराध में संलिप्तता के विषय में निष्कर्ष तक न्यायालय पहुंच सके तो इसलिए इस केस में सेक्शन नाइन्टी वन सी आर पी सी भारतीय संविधान के आर्टिकल बीस तीन को ध्यान में रखते हुए और यह जो केस है उसको याद में ध्यान में रखना है इसमें स्लाइड पर आप देखिए मैंने स्लाइड में जो बनाया हस्ताक्षर नमूना जो सिग्नेचर है स्पेसिमेन सिग्नेचर स्पेसिमेन सेक्शन नाइन्टी वन के अधीन दस्तावेज नहीं है ये डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता और इसीलिए किसी भी व्यक्ति से यदि स्पेसिमेन हस्ताक्षर नमूने लिए जाते हैं तो वह धारा 91 के अंतर्गत तो वह उसका प्रोटेक्शन नहीं ले सकता दूसरा यदि कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुलिस या न्यायालय को जिसे किसी अपराध में अन्वेषण जांच या ट्रायल में तीन स्टेजेज हैं अन्वेषण जाँच या विचारण में किसी भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या वस्तु की आवश्यकता है तो कोई भी व्यक्ति इस आधार पर उस दस्तावेज को देने से मना नहीं कर सकता कि इस दस्तावेज देने से या किसी वस्तु के हैंडओवर करने से उसे किसी अपराध में वह फंसा देगा इस आधार पर कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट देने से या कोई वस्तु देने से अथॉरिटी को मना नहीं कर सकता है यदि पुलिस यदि पुलिस अथॉरिटी को, को कोई व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट देने से मना करता है तो ये माना जाएगा कि लोक सेवक को अन्वेषण के दौरान उसने सहायता नहीं किया है एक प्रकार से अपराध है और इस अपराध को आईपीसी की धारा 175 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है तो पुलिस पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के दौरान सहायता प्रदान न करना दस्तावेज उपलब्ध न कराना यह भी एक प्रकार से अपराध है जिसे आईपीसी की धारा वन के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है दूसरा आजकल हम देखते हैं जो सी है सी के माध्यम से स्ट्रिंग ऑपरेशन होते हैं स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो उसे किसी अपराध में फांसने वाले हों स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं यदि उस सीढ़ी से भी किसी अपराध में अभियुक्त के संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त होती है तो पुलिस आदेश लिखित आदेश के द्वारा उस किसी भी व्यक्ति को जिसके पास वह सी है अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विवश कर सकता है या न्यायालय उस व्यक्ति को अपने समक्ष सीढ़ी प्रोड्यूस करने के लिए धारा 91 के अंतर्गत कंपेल कर सकता है इस बात का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा केरल राज्य बनाम बाबू 1999 सुप्रीम कोर्ट की केस में निर्णित किया गया कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास सीडी बरामद होती है सी पाया जाता है ये माना जाएगा कि सीडी धारा 91 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तो सीडी को भी मान लिया गया रिटर्न डॉक्यूमेंट कोई लिखित दस्तावेज है कोई वस्तु है वह तो नाइन्टी के अंतर्गत आएगा भी सी को भी माना जाता है कि अभी अब इसके पश्चात मैंने स्लाइड पर लिखा है सर्च वारंट तलाशी वारंट सर्च वारंट एक कंडीशनल है किसी भी आपराधिक मामलों में सर्च वारंट सशर्त है तीन शर्तें उसकी तीन कंडीशंस दी गई हैं कि जब धारा 91 के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती और पुलिस अधिकारी को या न्यायालय को प्रतीत होता है कि व्यक्ति जिसके पास वह डॉक्यूमेंट है वह डॉक्यूमेंट न्यायालय के समक्ष न प्रस्तुत कर रहा हो या पुलिस को ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित आदेश के बावजूद भी वह व्यक्ति मेरे समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा सर्च वारंट जारी किया जा सकता है धारा 93 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि जब सीआरपीसी की धारा 91 के अंतर्गत जारी किए गए लिखित आवेद आदेश या समन के पश्चात कोई व्यक्ति कोई सामग्री पुलिस को डॉक्यूमेंट कोई दस्तावेज पुलिस को अगर सुपुर्द नहीं करता या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध सर्च वारंट जारी किया जा सकता है या उस वस्तु को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्च वारंट जारी किया जा सकता है तो जो सर्च वारंट है दैट इज़ सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ थ्री कंडीशंस। तीन कंडीशन के फुलफिलमेंट के अधीन है पहला क्या है कि जहाँ 91 के अधीन सम्मन के बावजूद कोई दस्तावेज या वस्तु पेश नहीं करता ऐसा व्यक्ति सेकेंड कंडीशन है कि जहाँ पे कोर्ट को ज्ञात नहीं है कि वह दस्तावेज डॉक्यूमेंट किसके पास है एंड थर्ड कंडीशन है कि, कि किसी जांच या विचारण ट्रायल के लिए या अन्य किसी भी प्रोसीडिंग में तलाशी वारंट जारी किया जाना अपेक्षित है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय सर्च वारंट जारी किया जा सक सर्च वारंट जारी कर सकता है अब सर्च वारंट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाना तलाशी वारंट या किसको जारी होगा और कितने समय सीमा क्या होगी इसकी कब तक इसको लागू कराया जा सकता है ये मैंने दूसरे स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है देखें तलाशी जो सर्च वारंट है वह वा किसी भी पुलिस अधिकारी के निर्देशित हो सकता है कि थाने के भार साधक अधिकारी जिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर वह दस्तावेज या कोई व्यक्ति छिपा हुआ है उस व्यक्ति के घर की तलाशी के लिए डॉक्यूमेंट की तलाशी के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित करते हुए न्यायालय कि इस सर्च वारंट को इस लिखित आदेश को लेकर के उस घर के उसी स्पेसिफिक भूभाग उसी स्पेसिफिक विशिष्ट स्थान को या पूरे घर की तलाशी ली जा सकती है तो पहले तो ये समझना है कि जो सर्च वारंट है तलाशी वारंट है ये क्या है तलाशी वारंट भी सर्च वारंट भी न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया एक प्रकार की आदेशिका है इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोसेस इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिटेन ऑर्डर इश्यूड बाई अ क्रिमिनल कोर्ट फारवर्ड जस्ट टू का जस्ट टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस करना यह सर्च वारंट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाएगा पुलिस को थाने के भार साधक अधिकारी जिस थाने के अधिकारिता के छीतर भीतर वह अपराध घटित हुआ उस थाने के भार साधक अधिकारी को निर्देशित करते हुए यह ऑर्डर जारी किया जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को जिसको न्यायालय उचित समझती है कि इस आदेश को यह व्यक्ति लागू करवा सकता है उस व्यक्ति के निर्देशित करते हुए न्यायालय सर्च वारंट जारी कर सकती है उस सर्च वारंट में किसी स्थान विशेष का भी उल्लेख हो सकता है कि पूरे घर पूरे घर नहीं बल्कि इसी स्थान विशेष का या अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के किस नंबर में किस हाउस नंबर में करना है उस हाउस नंबर को भी स्पेसिफिकली सर्च वारंट में नहीं कि पूरे अपार्टमेंट में सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करना है तो न्यायालय तर्स सर्च वारंट जारी करते समय स्थान विशेष को भी स्पेसिफाई कर सकता है निर्दिष्ट कर सकता है कि किसी विशेष स्थान की ही तलाशी लेना है पूरे घर की नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्च वारंट किसके द्वारा जारी होगा किसको निर्देशित होगा थाने के भार साधक अधिकारी को निर्देशित होगा या अन्य किसी व्यक्ति को निर्देशित हो सकता है किसको उस, उसका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन किसको कराना है उस पुलिस अधिकारी का नाम उसका पूरा डेजिग्नेशन और कितने समय के भीतर उसे उस तलाशी वारंट को एग्जीक्यूट करा के न्यायालय को इन्फॉर्म करना सूचित करना है कि मैंने सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करा लिया है और इन एग्जीक्यूशन ऑफ़ दैट सर्च वारंट जो है वी हैव गैदर्ड दिस इन्फॉर्मेशन हमने इस इन्फॉर्मेशन को गैदर किया इंफॉर्म इसमें सूचना को हमने इकट्ठा किया है और उस सर्च वारंट के अंतर्गत दो चीज़ें हो सकती हैं या तो पूरे के पूरे हाउस को या पूरे या उस मकान के किसी स्पेसिफिक पार्ट को जहां पर कि लिखित आवेदन दिया जाए या पुलिस को संदेह हो कि केवल घर के इस भूभाग में या घर के इस पार्ट में वह दस्तावेज है तो उस स्थान की विशेष स्थान की तलाशी के लिए ही केवल सर्च वारंट जारी किया जा सकता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सर्च वारंट किसी भी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ मैटर है तो इसलिए ध्यान न्यायालय सदैव ध्यान देती है कि जब तक सूचना पुख्ता सूचना न हो सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन न हो जब तक कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन न हो तब तक सर्च वारंट जारी न किया जाए तो इसलिए अब इस सेक्शन 93 के पश्चात आते हैं सेक्शन 94 के अंतर्गत 94 में भी तलाशी वारंट जारी करने की पावर दी गई है उसमें मैंने ऊपर ही लिखा है कि कौन कौन सा व्यक्ति सर्च वारंट जारी कर सकता है सेक्शन 94 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एस डी कार्यपालक मजिस्ट्रेट सामान्यतः और उसके पश्चात हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग तो कोई भी जिलाधिकारी या एस या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ऐसी परिस्थितियों में जब उसे लिखित आवेदन किया जाए और शपथ पत्र पर एफिडेविट पर किया जाए कि कोई चुराई हुई संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास है किसी घर में छिपी हुई छिपा कर रखी हुई है कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है कोई फॉल्स सील है कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट है या काउंटरफिट क्वाइन है कोई नकली सिक्के बनाने बना करके कहीं स्थान में रखा गया है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा यह लिखित आदेश दिया जा सकता है कि नकली दस्तावेज या काउंटर फिटिंग क्वाइन को या किसी भी फॉल्स सील को रिकवर करने के लिए वारंट लिखित आदेश जारी किया जा सकता है सेक्शन 94 फोर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जहाँ पर पावर देती है साथ ही साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को भी पावर देती है कि वह चुराई हुई संपत्ति को फाल्स एविडेंस या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट को जो फोर्स डॉक्यूमेंट है उसको या काउंटर फिट क्वाइन को रिकवर करने के लिए उसकी रिकवरी के लिए लिखित आदेश जारी किया जा सकता है अब इसके पश्चात एक और है सीआरपीसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान जिसे आप देखें स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है सदोष परिरोध व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट हर सर्च वारंट हर प्रकार के मतलब उसका नेचर अलग अलग हो सकता है सर्च वारंट का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट तो केवल एक है कि जो डॉक्यूमेंट है या व्यक्ति है उसको कोर्ट के समझ लाना लेकिन ये नेचर आप सर्च वारंट अलग अलग हो सकता है 97 में जो सर्च वारंट का नेचर है वह एक प्रकार से हैवियस कार्पस के समान माना जाता है जब किसी भी व्यक्ति को आ, सदोष परिररोध में रखा गया हो रंगफुली कन्फाइन करके उसको किसी जगह रखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए वहाँ से निर्मुक्त रिलीज कराने के लिए न्यायालय के समक्ष एफिडेविट पर शपथ पत्र पर लिखित आवेदन किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति मिस्टर एक्स को इस स्थान पर बंधक बनाकर रखा गया है इसको हम शुद्ध भाषा में इस तरह से अगर बोलें समझाने के लिए तो इस व्यक्ति को अमुक मिस्टर एक्स को यहाँ बंधक बना कर रखा हुआ है रखा गया है और इनको यहाँ से छुड़ाने के लिए सी सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा नाइन्टी सेवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डीएम को एसडीएम को जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर देती है कि वे किसी भी सदोष परिरुद्ध व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के कब्जे से छुड़ाने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकता है अब ऐसी स्थिति में आप देखें कि जब किसी व्यक्ति को बलपूर्वक उठा लिया जाता है या तो किडनैपिंग कर किडनैप कर लिया गया हो या रंगफोली उसको डिटेन कर लिया गया हो उसको बंधक बना लिया गया हो और ऐसा व्यक्ति उसे छोड़ न रहा हो उसे रिलीज नहीं कर रहा है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के अंतर्गत यह पावर दिया गया है डीएम और एसडीएम को जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कि उसके समक्ष यदि एप्लीकेशन किया जाए आवेदन किया जाए एग्रीड पार्टी के द्वारा एफिडेविट की शपथ पत्र के माध्यम से यदि आवेदन दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एस या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को जो बंधक बनाया गया है रिलीज करने के लिए आदेश दे सकता है या अपने समझ प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है कि इसको ससरीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए स्क्रीन पर आप देखें मैंने जैसा कि बताया है इस सेक्शन 97 को हाईबियस कार्पस के माध्यम से संविधान के अंतर्गत पांच प्रकार की रिट हैं उसमें हाई है बी कार्पस एक है तो सी का सेक्शन 97 और संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो हाई बी कार्पस है दोनों में कैसे कनेक्शन है कैसे दूस एक दूसरे से एक दूसरे से संबद्ध हैं तो आप ये देखें कि मैंने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बताया होगा कि जब पुलिस प्राधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाए तो उस अवैध गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य पुलिस के द्वारा अवैध गिरफ्तारी को न्यायालय में जिस आदेश के अंतर्गत चुनौती देगा उस आदेश को हम हाइबियस कार्पस के नाम से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका के नाम से जानते हैं कि उस व्यक्ति के परिवार जिसको रंगफली डिटेन किया है पुलिस ने उसके परिवार का कोई सदस्य उच्च न्यायालय में सीधे उच्च न्यायालय में आकर के हाईकोर्ट में आकर के आर्टिकल टू के अंतर्गत एक याचिका प्रस्तुत करे रिट ऑफ हैबियस हाँ कॉर्पस कि मेरे भाई को या मेरे पिता को अमुक व्यक्ति के द्वारा रंगफुली डिटेन कर लिया गया है पुलिस ने डिटेन किया है या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने उसको बंधक बना लिया है और इसको न्यायालय आदेशित करे कि सरसरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो न्यायालय जो कोर्ट आर्डर पास करती है उस आर्डर का स्पेसिफिक नाम है हैबियस हाँ कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस हाँ कॉर्पस जो रिट रिट याचिका है यह कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 226 में भी है और 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को पावर दिया गया है जैसा कि आप सभी जानते होंगे और ये मैं जब संविधान बता रहा था तो मैंने वहाँ पर भी बताया था कि किसी भी व्यक्ति को जब इलीगल डिटेन किया जाता है रैंकफुल डिटेन किया जाता है वह पुलिस के द्वारा रैंकफुली डिटेन किया जाए या प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा रंग डिटेन किया जाए तो ऐसा रंग डिटेन व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य सीधे उच्चतम न्यायालय में सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है वैसे सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है केवल सिवाय उन परिस्थितियों में जब उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो संविधान की भाग तीन द्वारा प्रदत्त जितने भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हैं उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति में ऐसा व्यक्ति सीधे हाई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बिना विदाउट नाकिंग द डोर ऑफ सबार्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट्स बिना हाई कोर्ट या सबार्डिनेट कोर्ट के से राहत लिए वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्योंकि जो पर्सनल लिबर्टी है व्यक्ति के जीने का जो अधिकार है उसके जो भ्रमण की स्वतंत्रता है उसको संविधान में प्रदत्त प्राधिकारी के द्वारा या सशक्त किए गए प्राधिकारी के द्वारा और उन प्रावधानित परिस्थितियों के सिवाय उसको किसी को भी नहीं डिटेन किया जा सकता है अन्य तो किसी की स्वतंत्रता बाधित की जा सकती है इसलिए जब किसी भी व्यक्ति को सदोष पूर्वक परिरुद्ध किया जाता है बंधक बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह एग्रीड पार्टी व्यथित पक्षकार या उसके परिवार का कोई सदस्य उसकी गिरफ्तारी की वैधता को लीगैलिटी को सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के आर्टिकल 226 के अंतर्गत चुनौती दे सकता है तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि सी की जो धारा नाइन्टी है और संविधान की जो आर्टिकल थर्टी और टू ट्वेंटी हैं उन दिनों इन प्रावधानों में कितनी समानता है उद्देश्य जो 97 सेवन सी का है वही उद्देश्य हाईबियस कार्पस संविधान की आर्टिकल 226 और 32 का है तो ये ध्यान में रखना है और कभी कभी हम देखते हैं कि पुलिस ही अवैध घेराव की स्थिति में घेराव लोग कर रहे हैं और घेरा अवैध घेराव की स्थिति में पुलिस वहाँ पर लोगों को उठने नहीं देती है कि आप लोग वहीं पर बैठे रहें ऐसी स्थिति में भी अवैध घेराव की स्थिति में भी सीआरपीसी की धारा 97 के अंतर्गत आदेश के लिए कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह डीएम या एसडीएम के समक्ष आवेदन कर सकता है कि इन व्यक्तियों को अवैध रूप से घेराव करके और उनको सदोष परिरोध किया गया है जैसा आप देखते होंगे प्रायः जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जेई का घेराव कर लेते हैं कि उन्होंने ठेका नहीं दिया टेंडर नहीं दिया तो जेई के कार्यालय में पहुंच करके उनको बाहर से ही ताला बंद कर दिया और वो अंदर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जहां पर लोक सेवक को व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा रंग डिटेन किया जाता है रंग कन्फाइन किया जाता है अवैध घेराव करके उनको उसमें निरुद्ध किया जाता है बंद किया जाता है ऐसी स्थिति में वह एग्रीड पार्टी जो जेई है उदाहरण के रूप में अगर इसको समझे तो उस जेई को यह राइट है कि वह डीएम या एसडीएम को लिखित आवेदन करके कि मुझको इतने से इतने बजे बजे से तक लेकर के या इन व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के द्वारा यहाँ पर डिटेन किया गया था तो सेक्शन नाइनटी सेवन डीएम या एस डी एम को पावर देती है कि यदि साक्ष्य पर्याप्त हैं तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है ये दो विकल्प प्राप्त है एक तो एस डी एम और डीएम को सीधे आवेदन दे सकता है ऐसा व्यक्ति या सीधे व हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि उस किसी तारीख और समय पर उसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा उसे कन्फाइन किया गया था गलत तरीके से उसको घेराव करके इतन, उतने देर तक उसे निरुद्ध रखा गया था तो ऐसी स्थिति में सेक्शन नाइन्टी सेवन भी उसकी मदद करता है और भारतीय संविधान के आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स और थर्टी भी थर्टी टू भी ऐसे व्यक्तियों की मदद करती है मैंने आप स्लाइड पर देखें मैंने स्लाइड में ही सेक्शन 97 को हैबियस कार्पस की भांति लिखते हुए और नीचे एरो बना करके आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जो पावर दिया गया आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दिया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट हैबियस कार्पस पांच रीटें हैं उसमें से हैबियस कार्पस व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ उपचार उपलब्ध कराता है व्यक्ति की जो दैहिक स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ मामला है उसमें यह रिलीफ प्रदान करता है इसलिए इस रिट का महत्व और तो भी बढ़ जाता है तो मैंने बताया कि हैबियस कार्पस किसके किन किन न्यायालयों के द्वारा जारी हो सकता है कब और कौन व्यक्ति हैबियस कार्पस याचिका के लिए कोर्ट में आ सकता है हैबियस कार्पस का उद्देश्य क्या है और सेक्शन 97 सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है अब इसके पश्चात आते हैं सेक्शन 98 का 97 सीआरपीसी के बाद एक जो महत्वपूर्ण सेक्शन 98 है उसमें वह फीमेल को केवल प्रोटेक्शन देता है जो फीमेल हैं अगर फीमेल को अपहरण कर लिया गया उनका तो ऐसी स्थिति में उस फीमेल की रिकवरी के लिए सेक्शन 98 के अंतर्गत डीएम एसडीएम और जेएम फर्स्ट मैंने स्लाइड पर लिखा हुआ है आप उसको देखें किस किस अथॉरिटी को ये पावर है पहला है डीएम दूसरा है एसडीएम तीसरा है जेएम फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो किसी भी अपहरित स्त्री को पुनः प्राप्ति के लिए तलाशी वारंट सर्च वारंट जारी कर सकता है ऐसी किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को जो फीमेल चाइल्ड है 18 वर्ष से कम आयु की बालिका है या किसी एडल्ट में फीमेल को जिसका अपहरण हो चुका है और किसी स्थान पर उसे छिपाया गया है ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति उसके परिवार का कोई सदस्य मैंने स्लाइड में देखिए लिखा है शपथ पर ही परिवाद जो कंप्लेंट है वह यदि एफिडेविट पर है शपथ पर है तो डीएम या एसडीएम सर्च वारंट जारी करते हुए संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को निर्देशित कर सकते हैं कि इस स्थान की तलाशी ली जाए जहां पर यह संभावना है कि इस स्त्री को अपहरण करके छिपाने का प्रयास किया गया है या छिपाया गया है तो ऐसी स्थिति में यह शपथ पर परिवाद करेगा इस प्रकार की बाध्यता क्यों दी गई है कि जो कंप्लेंट है दैट कंप्लेंट मस्ट बी सपोर्टेड विथ एफिडेविट उस कंप्लेंट को एफिडेविट से सपोर्ट क्यों होना चाहिए उसका केवल और केवल कारण यह है कि जो कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देता है और वह एफिडेविट पर देता है शपथ पत्र पर देता है तो यदि उसमें से कोई कथन झूठा पाया जाता है तो उस ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देने झूठा साक्ष्य देने के आरोप में उसके विरुद्ध खुद ही कार्रवाई की जा सकती है तो एक प्रकार से न्यायालय का समय बर्बाद न हो और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद न दायर किया जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया कानून में यह उपबंध किया गया कि जो भी आवेदन दिए जाएँ वे सत्य हों और उस सत्यता को बरकरार रखने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया कि जो कोई भी व्यक्ति आवेदन में अगर मिथ्या साच देता है मिथ्या कथन देता है फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो उसके विरुद्ध एक अलग आपराधिक मुकदमा न्यायालय में पंजीकृत किया जा सकता है इसलिए आवेदन को एफिडेविट पर देने का प्रावधान किया गया आप सभी जानते होंगे कि शपथ पत्र जो है वह साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है जो कोई भी व्यक्ति शपथ पर पूर्वक बयान देता है वह इसमें से यदि कोई भी कथन असत्य पाया जाता है फॉल्स पाया जाता है तो उसके विरुद्ध झूठा साक्ष्य देने मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में एक अलग कार्रवाई की जा सकती इसलिए यह शपथ पर परिवाद करने की बाध्यता आवेदक के ऊपर थोपी गई है न्यायालय के कानून के द्वारा इम्पोज की गई है कि प्रत्येक दशा में कोई भी व्यक्ति जो एप्लीकेशन देता है एप्लीकेंट जो है वह सत्य स्टेटमेंट देगा इस यह सुनिश्चित करने के लिए एफिडेविट पर मांगा जाता है ऐसा कथन तो सेक्शन 98 का भी उद्देश्य आप देखें हाइबीएस कार्पस का अगर किसी फ़ीमेल को एबडेक्शन किया जाता किसी फीमेल की किडनैपिंग जो स्त्री है उसको अगर अपहरण किया जाता है तो उस स्त्री या उस स्त्री के परिवार का कोई सदस्य सीधे उच्चतम न्यायालय में या हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 या 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका के लिए आवेदन कर सकता है या सेक्शन 98 के अंतर्गत वह डीएम या एसडीएम को अप्रोच कर सकता है वहाँ लिखित आवेदन कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने में उसे हो सकता है न्यायालय में उसको न्यायालय कोर्ट की फीस एडवोकेट की फीस उसमें उसमें समय भी लग सकता है तो यह सीआरपीसी के अंतर्गत अब आप ये भी सोचने का केस हो सकता है कि जब संविधान में जो विकल्प दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति का यदि अपहरण होता है या उसको कहीं पर निरुद्ध रखा जाता है तो वह सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है जब यह उपचार उपलब्ध है तो डीएम और एसडीएम को यह पावर क्यों दे दिया गया कि वहां पर भी एप्लीकेशन दे दिया जाए दोनों में जो बेसिक डिफरेंस यह है, है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति को जाने से रोका नहीं गया है कोई व्यक्ति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि उसको लगता है कि उसके परिवार के किसी सदस्य को रंग डिटेन किया गया है रंगफुली अरेस्ट किया गया है लेकिन चूंकि न्यायालय और न्यायिक जो कार्रवाई है उसमें विलंब समय लग सकता है उसमें एडवोकेट के माध्यम से ही जाना है एडवोकेट की फीस का होना न्यायालय का बंद होना न्यायालय के समक्ष की जो तकनीकी औपचारिकताएं हैं उसको पूर्ण करना उसमें समय लग सकता है इसलिए तात्कालिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को सीधे अपने तालुके के अपने डिवीज़न के एसडीएम के पास या अपने जिले के डीएम के पास ही तुरंत वह आवेदन कर दे लिखित आवेदन कर दे ईमेल कर दे यदि वह फैक्स कर दे यदि वह डी जी, जिला जिलाधिकारी को एस को तो उस फैक्स को या ईमेल को भी वो आवेदन मानते हुए डीएम के लिए बाध्य कर है एस के लिए बाध्य कर है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी इमीडिएट एक्शन होगा और यह प्रकार से सस्ता न्याय है मतलब कम खर्चे में उस व्यक्ति को उपचार उपलब्ध होता है इसलिए यह प्रावधान सी के अंतर्गत भी किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को दो दो ऑप्शन हैं दो विकल्प प्राप्त हैं या तो वह संविधान के अंतर्गत जा सकता है या वह सी के अंतर्गत डी एम डी एम को तत्काल वहाँ पर अप्रोच कर सकता है तो ये प्रावधान हो गए व्यक्तियों को रंग डिटेन करने की स्थिति में मैंने उसके बाद ही एक आर्टिकल ट्वेंटी ट्वेंटी लिखा हुआ है ट्वेंटी क्लास थ्री लिखा हुआ है इसमें भी अब इस संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ बस इतना ही है कि यदि किसी भी व्यक्ति को विवश किया जाता है कंपेल किया जाता है कि वह सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे जो जिसको रंग डिटेन किया है तो उसमें वह आर्टिकल बीस तीन का उल्लंघन नहीं होगा क्लास थ्री का वाले नहीं होगा और ऐसा व्यक्ति अब यह मैंने सेक्शन हंड्रेड लिखा हुआ सीआरपीसी का उस पर देखें तलाशी एवं जब्ती से संबंधित सामान्य प्रावधान सर्च एंड जनरल प्रोविजन है दिए गए हैं क्या है संहिता उन्नीस सौ तिहत्तर की धारा सौ यह मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान करती है कि मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का आदेश सर्च का ऑर्डर इशू कर सकता है और सर्च कौन लेगा सर्च लेगा एस एच ओ के द्वारा हो सकता है एस एच ओ का मतलब यहाँ पे स्टेशन हेड ऑफिसर है थाने का भार साधक अधिकारी सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करा सकता है लागू करा सकता है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए सर्च वारंट की स्थिति में थाने का भार साधक अधिकारी ऐसे तलाशी वारंट को क्रियान्वित कर सकता है परंतु धारा सौ के अंतर्गत तो एक जनरल प्रोसीजर दिए गए हैं कि दो प्रोसीजर्स मस्ट बी फॉलोड बाय द पुलिस ऑफिसर उन प्रक्रियाओं का अनुपालन करना पुलिस अधिकारियों के लिए बाध्य कर पहला क्या है सभी जब्त वस्तु की सूची तैयार करना जो सीज की गई है आर्टिकल्स से उनकी एक लिस्ट इन्वेंट्री तैयार करना कि जिसमें व्यक्ति को अगर बाद में न्यायालय निर्दोष करे और पता चले कि उसकी जो भी वस्तुएं सीज की गई हैं बाद में वह ना वह नष्ट हो गई हैं तो कम से कम जो भी सर्च होंगे और सीज की जाएंगी सर्च और सीजर का जो प्रोसीजर है वह सेक्शन हंड्रेड के दायरे में रहते हुए कोई भी कम्पिटेंट अथॉरिटी पुलिस अधिकारी एक इन्वेंट्री बनाएगा एक लिस्ट बनाएगा वस्तुओं की एक सूची तैयार करेगा किन किन वस्तुओं को उसने सीज किया है जैसे उदाहरण के तौर पर उसकी कार है उसकी बाइक है उसको सीज किया है सारी चल संपत्ति को सीज किया है तो उसकी एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बनाएगा कि कौन सी उसमें वस्तुएं उसके उसने सीज किया है वो एक लिस्ट पूरा प्रिपेयर कराया जाएगा और उस पर उस स्थान के दो नागरिकों के हस्ताक्षर सिग्नेचर लिए जाएंगे वो इसलिए लिए जाएंगे कि कम से कम स्थानीय दो व्यक्ति हैं इस बात की गवाही दे सकें कि उनकी उपस्थिति में थाने के भारदक अधिकारी के द्वारा किसी तारीख पर किसी समय पर यह सर्च किया गया और इतनी वस्तुएं सीज की गई जिन्होंने उन्होंने उन्होंने भी देखा है और हस्ताक्षर किया है तो यह एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो बाद में न्यायालय के द्वारा अगर निर्दोष पाए जाते हैं और पहले अन्वेषण के दौरान पुलिस ने उनके सामग्रियों को सीज कर लिया है तो कम से कम उनकी वस्तुओं को उसी रूप में वापस लौटाया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं कि दो नागरिक अगर होंगे तो वह बोल सकते हैं कि मेरे समझ शेचू की सीजर हुआ है और वह भी वहीं के रहने वाले हैं तो उस पर हस्ताक्षर उनकी है और जब कोर्ट में उनकी गवाही होगा स्टेटमेंट होगा तो वो आके वहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे समक्ष इतनी ही वस्तुएं थी और ये दावा अलग नहीं होता ऐसा मानता है कि बाद में व्यक्ति दावा करने लगता है कि मेरे इतने सामान ज़्यादा थे जिसको पुलिस ने उस पर लिस्ट में मेंशन नहीं किया है इससे बचने के लिए ये दोनों लोगों के लिए लाभकारी है यह पुलिस अन्वेषण अधिकारी के लिए भी लाभप्रद है कि वह अभी उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति मुकदमा करता है तो वह कह सके कि नहीं मैंने दो लोगों के सिग्नेचर लिए हैं और मैंने भी सिग्नेचर किया है इसलिए देखा जा सकता है कि कितना वस्तु सीज हुआ है और अभिक जो जिस व्यक्ति के जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है जो जो उस संपत्ति का स्वामी है उसके लिए तो लाभप्रद है ही कि दो व्यक्ति हस्ताक्षर किए हुए हैं तो कम से कम लगेगा कि उसकी वस्तुएं वापस कोर्ट से मिल जाएंगी तो दो स्थानीय निवासियों के द्वारा वह साक्षी के रूप में गवाह के रूप में सिग्नेचर किए जाएंगे और जब तब वस्तु की सूची स्वामी को सुपुर्द की जाएगी हैंड ओवर की जाएगी कि किन किन वस्तुओं का इसमें सीजर हुआ है तो ये मैंने देख बताने का प्रयास किया कि सर्च और सीजर से संबंधित जो सामान्य प्रावधान धारा सौ के अंतर्गत दिया है उसको ध्यान में हंड्रेड में दिया है रह देखते हुए अब इस धारा हंड्रेड के अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया है कि जहाँ पर पुलिस को थाने के भारसाधक अधिकारी को यह इतला प्राप्त होती है कि संगे अपराध किया गया संगे अपराध करने के पश्चात वह अपराधी किसी अमुक स्थान में छिपा हुआ है इस किसी घर में छिपा हुआ है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश के बिना ऐसा थाने का भाषा अधिकारी उस किसी भी घर में प्रवेश करके और किसी भी रूप में प्रवेश करके यहाँ पर किसी भी रूप में प्रवेश करके कि घर के दरवाजे को तोड़ करके भी बिना न्यायालय के आदेश के वह उस घर में प्रवेश कर सकता है और व्यक्ति अवस्थ को बरामद कर सकता है जहां पर संगे अपराध किए जाने के पश्चात अभियुक्त शरण लिया है शेल्टर लिया है तो यह धारा सौ और एक को हम जब एक साथ पढ़ते हैं सेक्शन हंड्रेड और वन सिक्सटी को पढ़ते हैं तो यह पाते हैं कि संगे अपराध के किए जाने के पश्चात यदि कोई भी अभियुक्त जिस किसी भी स्थान में छिपा हुआ है उस स्थान में पुलिस को प्रवेश करने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती इसका कारण केवल और केवल यह है कि अगर न्यायालय के आदेश की अपरिहार्यता या बाध्यता कर दी गई होती इस मामले में तो जब अन्वेषण अधिकारी या थाने का महासदक अधिकारी न्यायालय से आदेश के लिए आवेदन करता उसी बीच संघीय अपराध का अपराधी अपराध करने के पश्चात पुलिस की पहुंच से बहुत बहुं दूर चला जाता और उस मामले में उस मामले का पर्दाफाश नहीं हो पाता इसलिए यह सी आर इस कानून में यह प्रावधान दिया गया कि बिना न्यायालय के आदेश बिना न्यायालय के तलाशी वारंट के ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी थाने का भारसाधक अधिकारी जिसकी स्थानीय क्षेत्र का क्षेत्राधिकारिता के भीतर कोई संघीय अपराध किया गया है अथवा किए जाने की उसे पुख्ता इतला मिली है सूचना मिली है तो थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी घर के किसी भी स्थान से वह गिरफ़्तार कर सकता है अरेस्ट कर सकता है और ऐसे सर्च के लिए ऐसे तलाशी के लिए यदि उसके घर के दरवाजे या खिड़कियों को भी तोड़ना पड़े तो वह किसी उस किसी भी घर के या खिड़की या दरवाजे को तोड़ करके पुलिस वहाँ प्रवेश कर सकती है वहाँ पर ऐसा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि उसके घर की तलाशी बिना सर्च वारंट के तलाशी नहीं ले जैसा कि प्राय देखते हैं कि यह पिक्चरों में दिखाया जाता है जबकि वह पूरा इससे वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं रहता कि यदि संघीय अपराध किया गया है तो पुलिस को ये पावर है कि बिना सर्च वारंट के उस किसी भी अभियुक्त के घर में या किसी भी स्थान में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश प्रवेश कर सकती है सर्च वारंट वहाँ पर आवश्यक नहीं है न्यायालय के किसी भी आदेश के बिना पुलिस ऐसी परिस्थितियों में उस स्थान पर वह प्रवेश कर सकता है तो ये धारा 100 और 165 के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि सर्च और सीजर के अंतर्गत एक ध्यान रखना है कि जहाँ पर सस्पेक्ट है संदेह डाउट है कि अपराध किया गया वहाँ पर स्थिति अलग है और जहाँ पर पुलिस को ऐसा लगता है कि उसके समझ कोई व्यक्ति संगे अपराध करके और भागने का प्रयास कर रहा है और किसी स्थान में जाके छिप गया है किसी घर में जा छिप गया है तो उस घर के और वह निकल वह बार बार कहने पर भी घर से बाहर नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उस घर के दरवाजे को खिड़की को तोड़कर उस पुलिस वह पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है वहाँ पर उसके लिए तलाशी वारंट या तलाशी आदेश न्यायालय से लेना आवश्यक नहीं है तो ये मैंने बताया सेक्शन 100 और सेक्शन 165 सीआरपीसी की बातें हैं। अब इसके पश्चात स्क्रीन पर देखें तलाशी संबंधी प्रक्रिया का अनुपालन न करने का प्रभाव क्या होगा तो दो धाराएं हैं सेक्शन 460 वे अनियमितएँ जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती और सेक्शन 461 वे अनियमितताएँ जो कार्रवाई को दूषित करती हैं इस तलाशी संबंधी प्रावधान पर भी लागू होता है सी के सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन ये पूरे सी को रेगुलेट करते हैं एक प्रकार से क्योंकि सेक्शन फोर सिक्सटी सी में जो दिए गए हैं लिस्ट जो दी गई है उस लिस्ट में जितने भी प्रकार की एक्टिविटी है वह एक्टिविटीज़ इतना मतलब नुकसानदायक नहीं होती इतनी इतने इतनी प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं होती कि मात्र उस इरेगुलरिटी के आधार पर पूरे के पूरे एक्सरसाइज को शून्य कर दें यद्यप कि उनको इरेगुलर माना जाता है जो फोर सिक्सटी में जितने भी जितने भी कार्रवाइयाँ दी गई हैं वह इरेगुलर होती हैं परंतु वे वीसीएट नहीं करती दे डू नॉट वीसीिएट द प्रोसीडिंग अर्थात वे पूरी कार्रवाई को शून्य नहीं बना देती तो इसका मतलब केवल और केवल यह है कि वे कार्रवाइयाँ इतनी गंभीर नहीं है इरेगुलर तो मानी जाती हैं लेकिन अवैध नहीं मानी जाती तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इरेगुलरिटी एंड इलीगलिटी तो इरेगुलर होना इलीगल होना नहीं माना जाता अनियमित होना और अवैध होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं अनियमित कार्रवाई वैध हो सकती है और कुछ कार्रवाइयाँ जो इतनी गंभीर हैं कि अगर वह इरेगुलर हैं तो मान न केवल इरेगुलर होंगी बल्कि अवैध भी ठहराई जा सकती हैं जैसे उदाहरण के तौर पर जहाँ पर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जो कानून के अंतर्गत मैक्सिमम तीन वर्ष की सजा देने के लिए इम्पावर्ड है सशक्त है अगर वह चार वर्ष का कारावास दे देता है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग तो उसकी कार्रवाई जो है वह सेक्शन फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत अवैध न केवल इरेगुलर होगी बल्कि शून्य किए जाने योग्य होगी अवैध माना जाएगा ऐसे आदेश का परिणाम क्या होगा वह जो ऑर्डर है दैट इज़ इलीगल इन आई आफ लॉ इ इसलिए है कि कानून के अंतर्गत किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि मैक्सिमम तीन वर्ष तक का ही कारावास दे सकता है और तीन वर्ष एक दिन का भी अगर कारावास देता है तो ऐसा ऐसा आदेश अवैध माना जाएगा इलीगल माना जाएगा क्यों क्योंकि ऐसे सी के अंतर्गत वह न्यायिक मजिस्ट्रेट को पावर ही दी गई है कि मैक्सिमम जुर्माना दस हज़ार रुपया लगा सकता है और मैक्सिमम तीन वर्ष के कारावास वह दे सकता है तो उसके पास कोई ऐसा अगर मामला जाता है जो तीन वर्ष एक दिन का है या तीन वर्ष छः महीने का कारावास दे दिया तो वह आदेश गल होगा अवैध होगा तो सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत ध्यान देना है कि हमारा जो सर्च और सीजर से संबंधित प्रावधान है वह सर्च और सीजर सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन कैसे उसको रेगुलेट करते हैं मैंने बताने का प्रयास किया कि धारा चार सौ साठ के अंतर्गत जो इरेगुलरिटीज हैं उससे कार्रवाई को शून्य नहीं किया जा सकता परंतु जो धारा चार सौ इकसठ के अंतर्गत लिस्ट दी गई हैं उसमें वे कार्रवाइयाँ इरेगुलर भी होंगी शून्य भी होंगे उदाहरण के तौर पर जहाँ पर न्याय जो न्यायालय दंड देने की अधिकारिता न रखता हो उसका ट्रायल कर दे तो वो कार्रवाई पूरी की पूरी कार्रवाई जो है शून्य होगी लेकिन सेक्शन फोर सिक्सटी में जो कोर्ट है अगर कोर्ट किसी मामले का, का कांगजेंस लेता है संज्ञान लेता है तो संज्ञान लेना और ट्रायल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ट्रायल कोर्ट जो है कम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए और संज्ञान कोर्ट कम्पिटेंट भी हो सकता है और कंपिटेंट नहीं भी हो सकता है चूंकि संज्ञान के स्तर पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय नहीं किया जाता इसलिए माना जाता है कि अगर संज्ञान न्यायालय ने ले भी लिया तो इसमें न्यायालय के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के विषय में निर्णय नहीं दिया गया मात्र यह प्रथम दृश्य न्यायालय ने माइंड अप्लाई किया कि अभियुक्त ने अपराध किया है या नहीं किया है जबकि ट्रायल के अंतर्गत संज्ञान लिए जाने के पश्चात न्यायालय को केवल यह डिसाइड करना होता है कि अभियुक्त तो ने अपराध किया है या नहीं किया है तो ये सेक्शन फोर सिक्सटी और फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत भी ध्यान से दोनों चीज़ों को देना है वे इरेगुलरिटी जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती और वे इरेगुलरिटी जो कार्रवाई को दूषित करती हैं दूषित करने का तात्पर्य यहाँ पर कार्रवाई को शून्य बना देना से कर देना अपीली न्यायालय जो बड़ा न्यायालय है अपीली न्यायालय या कन्फर्मेशन कोर्ट जो पुनरीक्षण न्यायालय है वह अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय को जो अवैध है शून्य कर सकती है अपास्त कर सकती है तो ये सेक्शन फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत दिया हुआ है इसको एक मैंने बताने का प्रयास किया धारा नाइन्टी सेवन और भारतीय संविधान की आर्टिकल एक सौ बत्तीस और दो सौ छब्बीस के अंतर्गत इन दोनों को हैवियस कार्पस याचिका के माध्यम से और फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि सर्च और सीजर का कंप्लायंस न करना क्या कार्रवाई को शून्य बनाएगा या कार्रवाई को शून्य नहीं बनाएगा इसको भी अब इसके पश्चात देखते हैं कि सर्च और सीजर से संबंधित सामान्य जो प्रावधान दिए गए हैं सीआरपीसी के अंतर्गत उसके अनुपालन संबंधी प्रक्रिया क्या है वेल तो मैं बता रहा था कि सर्च और सीजर से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के अंतर्गत और जिसमें मैंने कि बताया जो व्यक्ति का डीएनए टेस्ट है जो व्यक्ति का ब्लड टेस्ट है जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बाल का सैंपल लिया जाना अन्वेषण एजेंसी के द्वारा किसी इन्वेस्टिगेशन उद्देश्य के लिए मात्र इस आधार पर उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह उसको किसी अपराध में फांसने वाला होगा जैसा कि मैंने एक केस बताया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू का केस 1961 का है सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में क्लियर कर दिया था बाद में अभी जिस आप सभी जानते होंगे एक केस उसमें अभी एन तिवारी का एक केस था नारायण दत्त तिवारी के मामले में जो उत्तरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे उन एन तिवारी के पुत्र रोहित शेखर के द्वारा डेली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई रोहित शेखर के द्वारा यह आवेदन दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट में कि एन डी तिवारी उनके पिता हैं और चूंकि उनके पिता होने के नाते वह उनका पुत्र है और उनकी संपत्ति में उसको हिस्सा चाहिए उसको हक चाहिए उनकी मृत्यु के पश्चात उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए अब चूंकि ऐसा मामला दिल्ली हाईकोर्ट के समय जब आवेदन किया गया रोहित शेखर के द्वारा तो उसमें रोहित शेखर के उस आवेदन को स्वीकार करते हुए डेल्ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका ब्लड टेस्ट लिया जाए डी एन टेस्ट कराया जाए जिससे कि यह मालूम हो सके कि क्या रोहित शेखर एन तिवारी के पुत्र हैं या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया परंतु एन तिवारी ने उस समय जीवित थे एन तिवारी के द्वारा इनकार कर दिया गया ब्लड सैंपल देने से कि ब्लड सैंपल देना के लिए उनको विवश नहीं किया जा सकता है और ब्लड सैंपल देने से यह आर्टिकल बीस तीन का उल्लंघन है संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी क्लास थ्री का उल्लंघन है परंतु न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से एन डी तिवारी के द्वारा ब्लड टेस्ट दिया गया और उसका डीएनए टेस्ट भी कराया गया आप सभी को जानकर यह आश्चर्य होगा कि डीएनए टेस्ट जब कंडक्ट कराया गया तो डीएनए टेस्ट के माध्यम से एक्सपोज हुआ कि रोहित शेखर जो है ही वॉज बायोलॉजिकल सन ऑफ एन डी तिवारी रोहित शेखर ही एन डी तिवारी का वह जैविक पुत्र थे और इस तरह इस आधार पर रोहित शेखर के द्वारा अपने पिता का नाम में प्राप्त किया गया वैधानिक लड़ाई लड़ने के पश्चात जब दिल्ली हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उनके द्वारा जब ब्लड सैंपल दिया गया रक्त का नमूना दिया गया डीएनए टेस्ट कराया गया तो रोहित शेखर यह स्थापित हो गया कोर्ट में कि दोनों के डीएनए मैच हो गए स्थापित हो गया कि रोहित शेखर के पिता ही एन तिवारी थे और उज्जवला शर्मा उनकी मतलब रोहित शेखर की माँ थी इस स्थिति में इस आधार पर उनकी पेटर्निटी पेटर्निटी टेस्ट एक है पितृत्व तो मतलब पेटर्निटी टेस्ट के लिए इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं डीएनए टेस्ट के माध्यम से किसी भी बच्चे की जब लेजिटमेसी क्वेश्चन में हो आप सभी जानते होंगे कि भारतीय शासन नियम की धारा एक सौ एक के अंतर्गत जब किसी भी बच्चे की लेजिटमेसी और डाउट हो कि वह लेजिटमेट चाइल्ड है कि इलेजिटमेट चाइल्ड है या हु इज़ फादर ऑफ जैड डेट चाइल्ड तो उस चाइल्ड की पेटर्निटी को डिसाइड करने के लिए कोर्ट जो है वो डीएनए टेस्ट करा सकती है और इस प्रकार से डीएनए टेस्ट कराने के पश्चात रोहित शेखर के मामले में यह क्लियर हो गया कि एंड तिवारी उसके फादर थे और उसके पश्चात उन्होंने प्रॉपर्टी में क्लेम किया यद्यप कि वो दोनों लोग इस आज की डेट में दोनों की डेथ हो चुकी है परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि डीएनए टेस्ट के माध्यम से वहाँ पर पेटर्निटी इस्टैब्लिश हुई और इस आधार पर अगर किसी को आदेश दिया जाए कि ब्लड सैंपल उनका निकाला जाए तो इस और वह ब्लड सैंपल निकालने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता देने से मना नहीं कर सकता कि मेरे ब्लड सैंपल देने से यह उसे किसी अपराध में फांसने वाला है या उसकी आइडेंटिटी जो है वह डिस्क्लोज हो जाएगी सामने आ जाएगी इस आधार पर कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है तो उस केस में भी किया गया मैंने एक और केस बताया होगा जो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य की केस में है ब्रेन मैपिंग नार्कोनासिस की केस है अब ऐसे ही सर्च और सीजर के मामले में कैसे पुलिस को यह पावर है कि सर्च लेने का तलाशी लेने का एक निठारी सीरियल किलिंग केस के नाम से भी मैंने इसके पहले के व्याख्यान में बताया था कि नोएडा में एक निठारी प्लेस है निठारी विलेज है उस निठारी विलेज में एक सुरेंद्र कोहली और महेंद्र सिंह पंडेर दो नाम दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि बच्चों के आ, मर्डर के लिए सीरियल किलिंग हुई थी उसमें इन दोनों को प्रॉसिक्यूट किया गया था ट्रायल कोर्ट ने माना कि ये दोनों सुरेंद्र कोहली और महेंद्र सिंह पंडेर दोनों उसके दोषी हैं परंतु अभी हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा उन दोनों को छोड़ दिया गया यद्यप कि दोनों को आजीवन कारावास के लिए लाइफ इंप्रजमेंट के लिए कन्विक्शन हुआ था इम्पॉर्टेंट यह केस इस हेड में इसलिए है कि उसमें भी सर्च और सीजर की बात हुई थी पुलिस के द्वारा जब स्थान की तलाशी ली गई तो वहाँ पर बहुत सारे स्केटन पाए गए नरकंकाल पाए गए और जिस नरकंकाल के आधार पर ये सुरेंद्र कोहली ने भी ये स्वीकार किया कि उन बच्चों का जो है उन बच्चों को उसने ही मारा था और उसने अपने अपराध को स्वीकार भी किया जब ब्रेन मैपिंग नार्कोनालिस टेस्ट हुआ उस केस में निठारी केस में तो उस नार्कोनालिस टेस्ट में ब्रेन मैपिंग टेस्ट में भी उसने यही स्वीकार किया कि उस घटना में वही सम्मिलित था यद्यप कि उस मामले में एक अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन का पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इशारा यह भी था कि किडनी रैकेट में भी वो डॉक्टर कुछ इन्वॉल्व थे लेकिन उन डॉक्टरों को उसमें किडनी रैकेट के मामले में उसको बरी करते हुए केवल और केवल दो व्यक्तियों को इसमें एक्यूज बनाया गया सुरेंद्र कोहली और महेंद्र सिंह पंडेर तो उस केस में भी जो सर्च और सीजर किए गए जो भी स्केल्टन बरामद हुए मानव नर कंकाल बरामद हुए थे उसमें भी पुलिस को पावर था कि सर्च करने के लिए सर्च करने के पश्चात न्यायालय में जो प्रस्तुत किए गए वो स्केल्टन उसके आधार पर भी दो व्यक्तियों को सत्र न्यायालय के द्वारा दोषिध किया गया परंतु हाई कोर्ट में साक्ष पर्याप्त नहीं थे इसलिए हाई कोर्ट में दो व्यक्ति इन दोनों लोगों को सुरेंद्र कोहली और बहुत सेंसेशनल मैटर था निठारी सीरियल किलिंग केस का तो अब इसके पश्चात मैंने ये बताने का प्रयास किया कि सर्च और सीजर से संबंधित जो प्रावधान सेक्शन 91, 92 फिर 93 सर्च वारंट कब जारी होगा 94 सर्च वारंट कब जारी होगा 97 सेवन हैवियस कार्पस के समान है सी का जब किसी व्यक्ति को रैंकफुली डिटेन किया जाए या घेराव अवैध घेराव की स्थिति में सेक्शन 97 का उपयोग कैसे होगा और हैबियस कार्पस के समान कैसे है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो उद्देश्य होता है वही उद्देश्य सेक्शन 97 का है 98 स्पेसिफिकली तब अप्लाई होता है जब किसी विमेन का अपहरण कर लिया जाए किसी बालिका या स्त्रियों को अगर अपहरित करके कहीं पर छिपाया गया है तो वह डी और एस तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको ये पावर दिया गया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उस फीमेल को वहाँ से छुड़ाया जाए ये सेक्शन 97, 98 लगभग है ये बिल्कुल दे आर वेरी क्लोज टू हैबी एस कार्पस हैबी कार्पस के समान हैं और सेक्शन 100 के अंतर्गत जो जनरल प्रोसीजर दिए गए हैं वह धारा सौ के अंतर्गत मैंने बताने का प्रयास किया और एबाब एनॉल ये इसके ऊपर भी जो मैंने बताया कि सेक्शन फोर सिक्सटी फोर में ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं सेक्शन कैसे फोर सिक्सटी का ये कार्रवाई को दूषित नहीं करेगा और फोर सिक्सटी वन वो कार्रवाई को दूषित करेगा तो इसको भी मैंने बताने का प्रयास किया और केवल और केवल इसलिए बताने का प्रयास किया कि धारा चार सौ साठ और चार सौ इकसठ को जोड़ने का कि ये पूरे प्रोसीजर को कंट्रोल करती हैं कि अगर प्रोसीडिंग अगर इन इन धाराओं के अंतर्गत आ गई फोर सिक्सटी वन में आ गई तो निश्चित रूप से वह इरेगुलरिटी जो है कार्रवाई को सेटिसाइड कर देगी विसिएट कर देगी और शून्य बनाया जा सकता है तो मैंने पूरा प्रयास किया इस सर्च और सीजर को कवर करने का पूरा विश्वास है कि आप सभी को पूरी बातें समझ में आई होंगी और सर्च और सीजर से संबंधित जितने भी मैंने केस है इसके वैधानिक पक्ष हैं संविधान के जो प्रावधान हैं सीआरपीसी और संविधान को जोड़ते हुए मैंने सर्च और सीजर सर्च वारंट और हैबियस कार्पस को जोड़ते हुए इस व्याख्यान में बताने का प्रयास किया कि कैसे सर्च किया जाता है इसका उद्देश्य क्या है हाइबी स्कार्पस से कैसे संबंधित है इन्हीं शब्दों के साथ इस व्याख्यान को मैं समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद